तुमसे राज की भीख मांगने का तरीका शायद अलग है, शायद घबराहट ना हो आवाज में, शायद मांग में कमजोरी ना हो, लेकिन है भीख। तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर प्रिया, तुम प्लीज प्लीज राज को छोड़ दो। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम राज को छोड़ दोगी तो तुम मुझे एक नई जिंदगी दोगी, तो अगर मैं कहूं कि तुम मुझे एक नया जन्म दोगी तो मेरे पति को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ प्रिया, तुमसे नफरत बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा कसूर है ही नहीं, कसूर मेरे पति का है, मेरा है। हमारे ही रिश्ते में कोई कमी थी, लेकिन तुम अब इस सब का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो प्रिया। मैं तुम्हें बिल्कुल दोषी नहीं ठहराऊंगी, राज के दो बच्चे हैं प्रिया, एक बीवी है और एक घर है। घर कुछ साल पहले सिर्फ एक सपना था, लेकिन अब एक हकीकत है। इस घर में हमने बुढ़ापे के सपने देखे हैं प्रिया, हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की शादियां देखी हैं। इस घर को गिराना या बनाना अब तुम्हारे हाथ में है प्रिया, तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी हाँ या ना पर मेरा घर टिका है। तुम समझदार हो प्रिया, बहुत सोच समझ कर फैसला करो। मेरा पति दूसरों के घर बनाता है, लेकिन बेहोशी में अभी अपना ही तोड़ रहा है। लेकिन प्लीज प्लीज तुम होश में आओ प्रिया, मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारे लिए किसी का फोन है, किसी वसुधा। मेरी सहेली है। हाँ, फोन ले लो। हेलो। हेलो, हाय, सॉरी तुझे ऑफिस में डिस्टर्ब किया, ठीक है ना? नहीं, बहुत जरूरी बात करनी थी। राज का फोन आया था मेरे पास हॉस्पिटल में, कह रहा है कि वो शिल्पा से डिवोर्स चाहता है।
मैडम टी विद लाइम. थैंक यू. पी लो, एनर्जी आ जाएगी, थोड़ी सोचने की शक्ति ज्यादा हो जाएगी. परफेक्टली ओके. वैसे भी मैं थक चुका था अपने काम से और सोच रहा था कि ब्रेक ले लूं और चाय बना लूं, पर फिर मैंने सोचा कि चाय बनाकर पीऊंगा किसके साथ. कोइंसिडेंस देखो कि तुम्हारा फोन आ गया और मैंने चाय बना ली. खैर ये फोन वाली बात कुछ परेशानी वाली लग रही थी. तुम्हारे चेहरे को देखकर अंदाजा लगा. जी, थोड़ी परेशानी वाली बात तो है. If I'm not getting too inquisitive or too personal, ये फोन वाली परेशानी और सुबह जो बस स्टॉप वाली परेशानी थी, ये दोनों एक हैं या फिर अलग अलग, या फिर एक थोड़ी सी कम है और एक थोड़ी सी ज्यादा? जी, दोनों अलग अलग ही हैं. कुछ और सोच रही थी और मैं कुछ और सोच रही हूँ. मेरी एक सहेली है शिल्पा, हम साथ ही बड़े हुए हैं. 8 साल के बाद उसका हस्बैंड उसे छोड़ना चाहता है. आज सुबह ही उसने तलाक का फैसला सुनाया उसे. हमारी एक और फ्रेंड है वसुधा, उसका फोन था. कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा. मेरी बात मानो, हम भी इसी ढंग में. रिश्ते इतनी आसानी से टूटते ही नहीं है सभी. और तुम रिलैक्स हो जाओ, चाय पी लो. देखना 2 महीने बाद तुम्हारी सहेली और उसके हस्बैंड किसी हिल स्टेशन पर घूमते हुए नजर आएंगे. I'm telling. समझ में नहीं आ रहा मौसी, सब क्या हो रहा है, कैसे हो गया. अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था. राज और शिल्पा के बीच में इतना प्यार करते थे एक दूसरे से. उनको देख के ऐसा लगता था कि शादी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होती है शादी. इतना प्यार, एक दूसरे पर जान देना, फिर शिल्पा का अपना काम छोड़ देना, अपना करियर त्याग देना, अपना सारा ध्यान अपने घर, अपने बच्चों, अपने पति पर लगा देना. फिर क्या होता है, 8 साल बाद वही पति आपसे कहता है कि उसे ऐसी पत्नी की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग अपनी सारी जिंदगी, अपने रिश्ते शक में बिता देंगे. डर लगता रहेगा नए रिश्तों को बनाने से, किस रिश्ते में कितना दें, किस में कितना नहीं, कोई समझ ही नहीं पाएगा. प्यार करने वाले हमेशा एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते रहेंगे, कभी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएंगे. उन्हें हमेशा लगता रहेगा कि कब सामने वाला अपने फन उठाकर उन्हें डस दे और फैसला सुना दे. वही किया है राज ने, शिल्पा को डस दिया है. Thank you.
हेलो शिल्पा, आश्रम में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे हम मौसी के पास हैं, तो उनकी चिंता मत कर, तू बस यहाँ आ जा प्लीज। नहीं तो मैं वहां आ जाती हूँ। वसुधा, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि हमारी बेटी का पता चल गया है। सरता जी प्लीज, मैं ऐसे बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान। नहीं नहीं सरता जी, इस वक्त आपसे कोई बात नहीं कर सकती। आप हो सके तो मुझे इस वक्त अकेला, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिससे मुझे डर महसूस हो, और मैं ऐसा कुछ कह दूँ जिससे पहले जो हुआ था वो दोबारा हो जाए। आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, अपने मायके जा रही हूँ। मिलने की कोशिश मत करना, शायद इस बार तुम्हें इतनी इज्जत ना मिल पाए। बच्चों का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। बाकी जब भी तुम्हें लगे तुम्हें काबिलियत हो गई है मुझे वापस बुलाने की, अपनी शर्म से जब भी तुम बाहर आ पाओ तो बुला लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। और यह फैसला तुम्हें इसी हफ्ते में ही करना होगा। मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत देती हूँ राज, उसके बाद शायद फिर कभी ना लौटूं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आज दोबारा कह रही हूँ और फिर कहती रहूंगी, मुझे आपकी जाती जिंदगी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है सरता जी। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी। किसी दिन मैं ऐसा कुछ कह दूंगी जिससे आपको बहुत तकलीफ होगी और आप फिर बीमार पड़ जाएंगी। आप चले जाइए यहाँ से माँ।